कैबिनेट मंत्री रणजीत सिंह कुरुक्षेत्र के पीपली वश्राम गृह में मीडिया से मुखातिब हुए और ये कहा कि जल्द जेल व्यवस्था में सुधार होगा। क्या कुछ कहा है मंत्री जी ने, इस रिपोर्ट में जानिए। कैबिनेट के विस्तार के बाद तमाम मंत्री कार्यभार संभालने के बाद एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। बिजली एवं जेल मंत्री रणजीत सिंह धर्मनगरी कुरुक्षेत्र पहुँचे और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर जेल व्यवस्था में भी बड़ा परिवर्तन देखने को मिल सकता है। ये मैक्सी स्टेट को ब्लेम नहीं कर रहा, पर ये घटनाएं ज्यादा बिहार में, पंजाब में जेल सुरंग खोल के भागे वाले ऐसी घटनाएं नहीं होती। ठीक है, थोड़ा बहुत मोबाइल का इधर उधर कई बार हो जाता है, वो मैनेजमेंट के मिसहैंडलिंग से हो जाता है। और कई बार जैसे बॉल थ्रो कहते हैं, ऊपर से पत्थर से भी कई जगह नशे फेंक देते हैं, तो ये चीज़ें हैं। पर इस पर अब काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए, इसे रोका जाए। और दूसरा, जेल में अब सुधार कर रहे हैं कि एक तो जल्दी जेल का, मैं अभी आप 15 दिन में सुनेंगे हमने कुछ कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने किसानों के लिए कहा कि किसानों को ट्रांसफार्मर लगवाने में जो अतिरिक्त राशि देने पड़ती थी, उसके बारे में नई पॉलिसी बनाई जा रही है। उन्होंने कहा कि पराली जलाने को लेकर भी फैसला लिया जाएगा, सिंचाई के लिए भी किसानों को बेहतर बिजली की व्यवस्था दी जाएगी। चार यूनिट आने करनाल, एक कुरुक्षेत्र, एक फतेहपुर और एक हम प्रपोज अभी कर रहे हैं पुरानिया जल जीवन नगर में पड़ेगा। उन चारों में टोटल हरियाणा की जो प्रोडक्शन है पुरानी की, वो समझो कुछ 35-40 लाख टन है। और उसके बाद जो ये उसका भूसा जो बनता है हमारे पास, जो इनमें प्लस थर्मल में जो इसे जलाने के लिए का मशीनें होंगी, वो यूनिट क्या लगे जो सारे लेकर उनको वो मतलब उसको जला के उसे ईंधन बनाने का वो काम करेंगे। उसमें आप ये समझो कि हम 50 लाख टन कैपेसिटी में करेंगे, अगले साल ये प्रॉब्लम नहीं होगी। किसान को भूसा नहीं जलाना पड़ेगा, इसको रेट्स मिलेंगे, कंपनी वाले इनसे पैसे लेके सवाल। रणजीत सिंह कैबिनेट का हिस्सा है और राजनीति में पुराने हैं। देखना होगा कि किसानों को उनके विभाग की तरफ से कितना फायदा पहुंचता है। वक्त वक्त पर वो किसानों की आवाज मुखर करते आए। खबर अभी तक के लिए कुरुक्षेत्र से राजीव अरोड़ा की।